ये शास्त्रार्थ करके जैनों को शास्त्रार्थ में जीत लेते हैं, इसी कारण इनका नाम है नग्नजित। इनके एक पुत्र है नग्नजित, पर नग्नजित के साथ बैल है जिनके लंबे लंबे सींग हैं। ये किसी को नजदीक नहीं है नग्नजित। सत्यन को चारा डालते, दाना डालते, पानी पिलाते, एक जगह से दूसरी जगह बांधते, सत्या को मारते नहीं और किसी को नजदीक नहीं होने। राजा ने सर्च लगा दी, कोई राजा है, राजा का लड़का इन सातों बैलों के एक संग नाथ डाल देगा, उसी से मेरी बेटी सत्या की शादी करूंगा। राजा राजाओं का लड़का नाथ डालने लगे, सातों बैल मारने लग जाऊंगा, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सिर, किसी का पेट चीर दिया, किसी को ऊपर ही पदरा दिया मार मार कर। भगवान गए, अपने सात रूप बनाए, एक संग सातों बैलों के नाथ डाली, सत्या से शादी करके लेकर वापस द्वारकापुरी में आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के गुआजी है श्रुत कीर्ति, इनके पुत्री है भद्रा, भगवान ने वहां से भी शादी करा। मध्य देश के राजा के पुत्री का नाम है लक्ष्मणा, लक्ष्मणा ही देवता। लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा है, भगवान स्वयंवर में गए, लक्ष्मणा से शादी करके उसको लेकर लौट कर वापस द्वारकापुरी में आ गए। या प्रकार भगवान की शादी हो गई। आठ, रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये आठों भगवान की आठ पटरानी। बोले बालकृष्ण भगवान।